हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केके बेल पेपर। आज हम बनाने वाले हैं मैगी नूडल्स। सबसे पहले हमें कढ़ाई में पानी गर्म करने रखना होगा। पानी में हमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और 1 टेबलस्पून ऑयल मिलाएंगे ताकि नूडल्स एक दूसरे से चिपके नहीं। पानी गर्म हो जाएगा उसके बाद हमें मैगी के 2 पैकेट्स ऐड करने हैं। ये मैगी नूडल्स बिल्कुल बाहर के नूडल्स की तरह ही लगने वाले हैं। दोनों पैकेट्स नाप दीजिए। अब इसको बॉईल होने दीजिए 2 से 3 मिनट तक। बीच बीच में इसको हिलाते रहिएगा। आप देख सकते हो मैगी के नूडल्स जो है वो खिले खिले नज़र आ रहे हैं, मतलब वो तेल की वजह से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। बस हमें इसी तरह के नूडल्स चाहिए होंगे। बस अब हमें इसे छान लेना है और साइड में रख देना है। उसके बाद हमें एक दूसरी कढ़ाई लेनी है, उसमें 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म हो जाने देंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा उसके बाद हमें इसमें 1 कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। हमें ये सारी जो भी प्रोसेस है सब्जी को पकाने की वो फास्ट गैस पर ही करनी है। सब्जियों को ज़्यादा ना पकाएं, थोड़ी 1-2 मिनट ही पकाएं और उसके बाद हम कैप्सिकम ऐड कर देंगे। कैप्सिकम को भी फास्ट गैस पर चलाएंगे और थोड़ी स्मूथ होने के बाद हम इसमें कैबेज ऐड करेंगे। आप चाहो तो येलो शिमला मिर्च या रेड शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हो, वो दिखने में काफ़ी सुंदर लगेगी। कैप्सिकम के 1-2 मिनट हो चुके हैं। कैबेज को ऐड कर दीजिए। उसे भी हमें फास्ट गैस पर पकाना है। सभी सब्जियों को हाफ कुक करना है, पूरा नहीं पकाना है। उसके बाद सब्जियों के हिसाब से हम नमक ऐड कर देंगे। हमने मैगी में ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं उबालते वक्त, इसलिए यहाँ पे हमें सिर्फ सब्जियों के हिसाब से ही नमक ऐड करना है। उसके बाद सॉसेस में हम सबसे पहले रेड चिली सॉस ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। उसके बाद 1.5 टेबलस्पून ब्लैक सोया सॉस ऐड करेंगे। सभी सब्जियों को अच्छी तरह सॉसेस में मिलाएंगे। उसके बाद हम टोमेटो सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब। टोमेटो केचप ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे सभी सब्जियों के साथ सॉसेस को। और इसके बाद हमने जो मैगी नूडल्स है जिसको हमने छान कर रखा हुआ है उसे भी ऐड कर देंगे इसी टाइम पर। और सब्जियों को, सॉसेस को और मैगी नूडल्स को अच्छी तरह सभी के साथ मिला लेंगे। अगर आपके पास नूडल्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप मैगी को भी इसी तरह मैगी नूडल्स की तरीके से बनाकर खा सकते हैं। एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप देख सकते हो कि मैगी नूडल्स दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है।
हमारा मैगी नूडल्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। एकदम डिलीशियस यम्मी यम्मी मैगी नूडल्स बनके तैयार हो चुका है। इसका टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा था, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये मैगी नूडल्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को के बेल पेपर को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।